हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 2 जनगणना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि सीजीपीएससी ई पाठशाला का एक ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सीजीपीएससी ई पाठशाला सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में हम कुछ फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में जो भी हमारे टेस्ट सीरीज होते हैं, यानी कि जीपीएससी प्री से रिलेटेड व्यापम के एग्जाम, एसीएफ या फिर आपके जो मंडी निरीक्षक के जो टेस्ट है, वो इस ऑनलाइन ऐप के थ्रू हम जो है कंडक्ट कराएंगे। ठीक, तो आप इस ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज इस ऐप के नीचे अपनी रेटिंग 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार अपने अकॉर्डिंग इस आपके ऐप को रेटिंग देकर के सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, रेटिंग देकर के अपने कमेंट्स जो है वहां पे लिख करके टाइप करके सबमिट कर दीजिएगा इस ऐप के नीचे। ठीक, दूसरा चीज, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का पीडीएफ नोट्स आज से अवेलेबल हो रहा है। जिस किसी को भी यह नोट्स चाहिए वो नीचे दिए गए आपके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस नोट्स को ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 2 जनगणना। देखिए, इस साल का जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसमें जो अध्याय 2 जनगणना है, इसमें मेनली फोकस किया गया है आपके लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो के ऊपर, और दूसरा है आपका साक्षरता दर। ठीक, ये जो जनगणना के आंकड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ के आपके पूरे 28 जिले के आधार पर है। देखिए, जनगणना जो हुआ था वो हुआ था आपकी वर्ष 2011 में, और इसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को शामिल किया गया है। लेकिन हर साल जो आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपका छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है, आपका गोरेला पेंटर मरवाही, उसे लेते हुए इस साल जो आपका जो रिपोर्ट आया है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसके अध्याय 2 के जनगणना वाले टॉपिक में पूरे 28 जिलों को शामिल किया गया है। और मेनली जो फोकस किया गया है वो किया गया है आपके लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, और दूसरा है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर के ऊपर। और इसमें मेन हाईलाइटेड जो है वो है आपके छत्तीसगढ़ के आपके नगरीय निकाय, यानी कि इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के आंकड़ों को पहली बार शामिल किया गया है। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले है अध्याय 2 जनगणना, जिसमें हम देखेंगे आपके बेसिक जो आपके जनगणना के आंकड़े होते हैं, यानी कि आबादी किसकी ज़्यादा है, कहाँ पे एसटी आबादी ज़्यादा है, कहाँ पे एससी आबादी ज़्यादा है, उसको हम देखेंगे। हर साल हम ये जो टेबल को सेम टू सेम यही टेबल आपका रिपीट हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया मुख्य बिंदु, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आंकड़े, कौन सा जिला सर्वाधिक है और किस जिले में आपका न्यूनतम है। सबसे पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है आपके 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000 आबादी है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है 2.55 करोड़, जिसमें रायपुर जिले में सबसे ज्यादा आबादी यहां पर है। ठीक है, रायपुर जिले में आपके 21 लाख आबादी वहां पर आपके निवासरत है, यानी कि रायपुर जिले की जो आपकी जनसंख्या है वो है 21 लाख। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सर्वाधिक जो आबादी है वो आपके इस रायपुर जिले की है, जबकि सबसे कम आबादी है आपके नारायणपुर की 1.3 लाख। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, देखिए जनगणना के आंकड़ों को पढ़ने से पहले हमेशा जो है अपने दिमाग में एक छत्तीसगढ़ के जिले और उस जिले की भौगोलिक स्थिति और साथ ही साथ वो जिले का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो रूरल है, अर्बन है, या यानी कि ग्रामीण है या शहरी है, वहाँ पर वो क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी है, समतल है, नदी वाला क्षेत्र है, ये सभी चीज़ को अपने माइंड में ध्यान रखते हुए आप ये जो जनगणना है, जनगणना के आंकड़ों को पढ़ा कीजिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक होगी, रायपुर या फिर दुर्ग या फिर बिलासपुर। क्यों? क्योंकि ये शहरी है और छत्तीसगढ़ में मेन जो आपके जिले है, जो मेन सबसे जो विकसित जिले है वो यही है। जबकि दुर्गम जिले कौन कौन से है, बस्तर वाला क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा है, आपका अबूझमाड़ वाला क्षेत्र। अबूझमाड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत मेनली कौन सा जिला आता है, वो आता है आपका नारायणपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक आबादी कहां निवास करेगी, रायपुर, क्योंकि वो हमारी राजधानी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल अगर आपका हम देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आपका औद्योगिक क्षेत्र जो आपका विकसित है वो इसी क्षेत्र में है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी निवास करेगी। सबसे कम ना कहाँ निवास करेगी, जो कि दुर्गम क्षेत्र है यानी कि अबूझमाड़ वाला क्षेत्र। तो आप या तो आबादी पढ़िए या साक्षरता दर पढ़िए, ये सभी चीज़ जब कभी भी आप पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा वहाँ का एक आपका भौगोलिक स्थिति
उसका जो आपका उसका डेवलपमेंट, उसका लिटरेसी, शिक्षा कितना पिछड़ा है, क्या है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑप्शन में रायपुर ना दे करके उसकी जगह बिलासपुर दे दे, ठीक है, ऑप्शन में रायपुर है ही नहीं, ऑप्शन में बिलासपुर है, तो आप बिलासपुर टिक करके आएंगे, ठीक है। चार ऑप्शन है जिसमें से तीन ऑप्शन आपके बस्तर संभाग के हैं, बस्तर संभाग के जिले हैं, एक आपका बिलासपुर है, तो थोड़ा सा आप कान खोल करके चीज़ों को पढ़िएगा। दूसरा है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी कि जो पिछली जनसंख्या रिपोर्ट आई थी, पिछली जनसंख्या रिपोर्ट आई थी आपके वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में आई आपकी जनगणना रिपोर्ट की तुलना में आपके इस जो जनगणना 2011 है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये है आपकी जनसंख्या वृद्धि। तो छत्तीसगढ़ के जनसंख्या में आपके 22.61% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 22.61% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में आपके बलौदाबाजार जिले में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है आपके सुकमा जिले में। बलौदाबाजार में आपके 49% यानी कि अप्रॉक्स 50% के आसपास जो है जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सुकमा में जो है आपके 8.16% की वृद्धि है। मैक्सिमम है बलौदाबाजार, मिनिमम है आपका सुकमा, ठीक, ये आपके 28 जिले के आधार पर है ये आंकड़े। नेक्स्ट है आपका एससी, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए छत्तीसगढ़ में इस 2.55 करोड़ आबादी में से 32.74 लाख यानी कि 32.74 लाख आबादी जो है ये आपके अनुसूचित जाति निवास करती है, शेड्यूल्ड कास्ट आपके निवास करते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 12.82% आबादी जो है, 12.82% आबादी आपके अनुसूचित जाति की है, ठीक। देखिए अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आपके अनुसूचित जाति निवास करती है वो है आपके जांजगीर चांपा जिले में, जबकि सबसे कम निवास करती है आपके सुकमा जिले में, ठीक है। अगर हम परसेंटेज हिसाब से देखें तो परसेंटेज हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आपके अनुसूचित जाति निवास करती है वो करती है मुंगेली में, जबकि सबसे कम करती है आपके सुकमा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक, अनुसूचित जनजाति। छत्तीसगढ़ की 2.55 करोड़ आबादी में से आपका 78.2 लाख आबादी जो है ये आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% 30.62% आबादी जो है ये है आपके शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की। ये अनुसूचित जाति है जबकि ये अनुसूचित जनजाति है, ठीक। देखिए अगर हम आबादी के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा जो आपके अनुसूचित जनजाति निवासरत है आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, वो है आपके जशपुर में, जबकि सबसे कम है आपके बेमेतरा में। वैसे ही अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आपके अनुसूचित जनजाति निवास करती है वो करती है आपके सुकमा में, और सबसे कम निवास करती है आपके रायपुर में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सुकमा है, न कि आपका बस्तर, न कि दंतेवाड़ा, न कि बीजापुर, न कि नारायणपुर, न कि कांकेर, सुकमा, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जो आपके जनजाति है प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक निवास करती है सुकमा में, आबादी के हिसाब से सर्वाधिक निवास करती है आपके जशपुर में। इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंडसेट में क्या रहता है, जनजाति का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट बनता है आपका बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, इसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक है आपके उत्तर का जशपुर और दूसरा है आपका नीचे सुकमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शहरी आबादी। शहरी आबादी छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 23.24% आबादी, ठीक है, 23.24% जो आपकी आबादी है
वो शहरी क्षेत्र में निवास करती है, जबकि सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है वो है आपके दुर्ग जिले का। शहरीकरण यानी कि सबसे ज्यादा जो शहरी आबादी निवास करती है दुर्ग जिले में, जबकि सबसे कम निवास करती है आपके बलरामपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है, हम क्या बात कर रहे हैं, शहरी, ठीक है। अगर इसी का उल्टा अगर ग्रामीण पूछेगा, तो ग्रामीण आबादी अगर पूछेगा तो 100-23.24% कर दीजिएगा, आपका ग्रामीण आबादी का प्रतिशत निकल जाएगा। और इसको उल्टा कर देंगे, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करेगी आपके बलरामपुर में, सबसे कम निवास करेगी आपके दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कार्यबल भागीदारी। कार्यबल भागीदारी या इसे ही कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। देखिए ये कार्यशील जनसंख्या होता क्या है, देखिए किसी भी क्षेत्र में निवासरत ऐसे लोग जो कि कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने में सक्षम है, कार्यरत है या कार्य करना चाहते हैं, वो कहलाता है आपका कार्यशील जनसंख्या या आपका कार्यबल भागीदारी। देखिए कार्यबल भागीदारी में ऐसा नहीं है कि जो काम में लगे हुए हैं उन्हीं लोगों को काउंट किया जाएगा, ऐसे लोग जो कार्य में लगे हुए हैं, कार्य करना चाहते हैं और साथ साथ कार्य करने की इच्छा रखते हैं और कार्य करने में सक्षम है, ठीक है, कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने की इच्छा रखते हैं और कार्यरत है, ऐसे सभी लोगों को मिला करके जो काउंट किया जाता है वो किया जाता है कार्यबल भागीदारी या कार्यशील जनसंख्या में, ठीक है। कार्य करने में सक्षम हो, कार्य करने की इच्छा रखते हो और आपके कार्यरत हो, यानी कि किसी न किसी कार्य में संलग्न हो, वो आपके कार्यशील या आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 47.68% आबादी जो है ये आपके कार्यशील आबादी है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या है। अगर इसके आधार पर हम देखें तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जो आपका कार्यबल भागीदारी प्रतिशत है वो है आपके जशपुर जिले का, जबकि सबसे कम है आपके दुर्ग जिले का। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम है जशपुर और मिनिमम है आपका दुर्ग, ठीक। ये परसेंटेज को याद रखिएगा, परसेंटेज 2-3 बार रिपीट हो चुका है, कार्यबल भागीदारी प्रतिशत जो है ये आपका 47.68%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। लिंगानुपात यहाँ पर हम देखेंगे आपका वर्ग, लिंगानुपात कितना है, मैक्सिमम किस जिले में है, मिनिमम किस जिले में है। छत्तीसगढ़ जिसका लिंगानुपात है आपका 991 यानी कि 991, सब छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है आपके कोंडागांव जिले का, जो कि है आपका 1033, जबकि सबसे कम लिंगानुपात है आपके रायपुर जिले का, जिसमें है आपका लिंगानुपात 963, ठीक है, 963। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो है आपका 1001। देखिए लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब प्रति हजार लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या या प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, ये कहलाता है आपका लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है आपका 991 यानी कि छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है आपका 991, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात है आपका 1001 यानी कि 1001। इस ग्रामीण लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है आपके दंतेवाड़ा का, ठीक है। दंतेवाड़ा का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, कितना है, 1052, जबकि सबसे कम है आपके बलरामपुर जिले में 973। शहरी लिंगानुपात है आपका 956। शहरी लिंगानुपात मैक्सिमम है गरियाबंद में 1017, जबकि सबसे कम है सुकमा 866। उसके बाद SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति जो लिंगानुपात है वो है 994। मैक्सिमम है राजनांदगांव में 1035, मिनिमम है सुकमा आपके 932। शेड्यूल्ड ट्राइब छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है वो है 1020। मैक्सिमम है दंतेवाड़ा में आपके अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात मैक्सिमम है आपके दंतेवाड़ा में 1067, मिनिमम है आपका रायपुर में 974। जबकि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जो आपका लिंगानुपात है वो है आपका 969, ठीक। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में मैक्सिमम लिंगानुपात है आपके दंतेवाड़ा में 1012 और मिनिमम है आपके रायगढ़ में 947। इंपॉर्टेंट है ये टेबल को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में किस जिले का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक का पूछेगा, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक का पूछेगा, कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है, 1020।
छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है 991, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है वो है 1001, शहरी लिंगानुपात 956, इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक अलग अलग जो है सेपरेट क्वेश्चन पूछता है इससे। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इस साल जो आपका मेनली फोकस हुआ है आपके जनगणना वाले टॉपिक में वो है आपके लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो के ऊपर, ठीक है। देखिए कुल लिंगानुपात में परिवर्तन, कुल लिंगानुपात में परिवर्तन के मतलब पिछले जो आपका जनगणना का जो रिपोर्ट आया था यानी कि वर्ष 2001 में उसकी तुलना में 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है उसमें कितनी आपके लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ठीक है, यह है वर्ग वृद्धि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का कुल लिंगानुपात है आपका 991, ठीक है, 991 कुल लिंगानुपात है जो कि वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में इस लिंगानुपात में आपके प्लस 2 की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले रहा होगा आपका 989, अभी हो गया है आपका 991, ठीक है, यानी कि प्लस 2 की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर हम देखें कि कुल लिंगानुपात में किस जिले के लिंगानुपात में पिछले रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो वो है आपके कोरिया जिला, कोरिया जिले के लिंगानुपात में आपका प्लस 22 का इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हुआ है। और किस जिले के लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है वो है बेमेतरा, जिसमें -27 जो है आपका कम हुआ है, लिंगानुपात जो दर है वो कम हुआ है। नेक्स्ट है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग, छत्तीसगढ़ में जो आपके 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कम हुआ है, कितना कम हुआ है 6 अंक, -6, वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में जो है आपका -6 कमी दर्ज की गई है। कवर्धा जो है, कवर्धा देखिए ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ के सभी जिले की बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में कवर्धा जिले के लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है +13 की। देखिए ये आंकड़े याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम जिलों का नाम याद रखिए कि किसमें मिनिमम है और किसमें मैक्सिमम है, ठीक है। जबकि सबसे कम जो आपका लिंगानुपात दर्ज किया गया 27 जिलों में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में वो है आपके सुकमा -34। SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट का लिंगानुपात कितना है 994, जिसमें वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, एक लिंगानुपात की वृद्धि हुई है। मैक्सिमम वृद्धि हुई है आपके बस्तर जिले में, किसमें शेड्यूल्ड कास्ट में। देखिए यहां बात हो रही है कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, जबकि जो बस्तर जो है ये जनजाति बहुल आपका जिला है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए अनुसूचित जाति है लेकिन बस्तर जिले में अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में वृद्धि हुआ है, कितना +24, जबकि सुकमा में जो कमी दर्ज किया गया है -74। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में +7 का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा जो आपके लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपके रायपुर जिले में +57, ठीक है, यानी कि 57 जो है वृद्धि हुई है। सबसे मतलब जो कमी दर्ज की गई है वो है बेमेतरा जिले में -42, ठीक। देखिए रायपुर जिले में जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है, क्यों, क्योंकि रोजगार की तलाश में बहुत से आपके जनजाति या आदिवासी लोग पलायन करके शहरों में आ रहे हैं, जिसके कारण रायपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में वृद्धि हुआ है। हर चीज़ के पीछे एक अपना लॉजिक होता है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर, सेम वर्ग कितना प्रतिशत है, मैक्सिमम किस जिले में है, मिनिमम किस जिले में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो आपका लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है वो है आपके 70.28% यानी कि 70.28%, ठीक। मैक्सिमम है आपके दुर्ग जिले का लगभग 82% और मिनिमम है आपके सुकमा का 34%, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का कुल साक्षरता दर है आपका 70.28%, मैक्सिमम है आपके दुर्ग जिले का लगभग 82% के आसपास, मिनिमम है आपके सुकमा जिले का 34%, ठीक। वैसे ही अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर यानी कि मेल लिटरेसी रेट, यह है हमारे छत्तीसगढ़ का आपका 80.27% यानी कि 80.27%, मैक्सिमम है आपके दुर्ग जिले में यानी कि पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है दुर्ग जिले का लगभग 89% और आपका मिनिमम है आपके सुकमा जिले का लगभग 44%।
महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर है आपका 60.24%, 60.24%। छत्तीसगढ़ में जो महिला साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट के मामले में आपका अग्रणी जिला है वो है दुर्ग जिला, जहां पे लगभग 75% लिटरेसी रेट है आपकी महिलाओं की, जबकि सबसे कम है आपका सुकमा जहां पे 25% यानी कि 25% लिटरेसी रेट है आपकी महिलाओं की। ठीक, अगर हम ग्रामीण आपका साक्षरता दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साक्षरता दर है आपका 66.01%, 66.01%। ग्रामीण साक्षरता दर के मामले में अग्रणी जिला है आपका बालोद, जहां पे ग्रामीण साक्षरता दर है आपका 79% और मिनिमम है आपका सुकमा 29%। शहरी साक्षरता दर की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर है आपका 83.99%, सर्वाधिक है आपके सरगुजा में लगभग 86% आपका साक्षरता दर है, और सबसे कम है आपके बीजापुर में आपका 74%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति साक्षरता दर। अनुसूचित जाति साक्षरता दर है हमारे छत्तीसगढ़ का 70.76%, 70.76%। मैक्सिमम है आपका बालोद जिला जहां पर है 79%, मिनिमम है सरगुजा जहां पर है 56%, जबकि अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर है हमारे छत्तीसगढ़ का 59.09%। ठीक है, 59.09%। मैक्सिमम जो आपका अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर है वो है आपके बालोद जिले का 77%, मिनिमम है सुकमा जिले का 28%। ठीक है, साक्षरता दर के इस टेबल को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर या पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है आया हुआ प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति साक्षरता प्रतिशत कितना है आया हुआ प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, महिला वाला शहरी ग्रामीण ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्यशील जनसंख्या। अभी हम देख चुके हैं क्या होता है कार्यशील जनसंख्या, ऐसी आबादी जो कि कार्य करने में सक्षम है या कार्य करने की इच्छा रखती है या कार्यरत है, उन्हें जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है या आपके कार्यबल भागीदारी में। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो आपके कार्यशील या कार्यबल भागीदारी प्रतिशत है वो है आपके 47.68% आया हुआ प्रश्न है। मैक्सिमम किस जिले में है, जशपुर जिले में। मिनिमम किस जिले का है, आपका दुर्ग जिले का। ठीक, अगर हम एससी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग में अगर हम कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो वो है आपके 12.16%। ठीक है, 12. जो आपके छत्तीसगढ़ में जो आपके अनुसूचित जाति है उनकी जो आबादी है उसमें से लगभग 12% आबादी जो है वो आपके कार्यशील आबादी के अंतर्गत आती है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो है मुंगेली में और मिनिमम है आपके सुकमा में। ठीक, शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का 33.92% यानी कि 33.92% आबादी जो है ये आपके कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है, जिसमें मैक्सिमम है आपके सुकमा जिले में, मिनिमम है आपके रायपुर में। ठीक, तो ये है आपके लिंगानुपात और आपका नेक्स्ट साक्षरता दर। अब हम देखेंगे आपके नगर निगम, पहली बार जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत यानी कि नगरीय निकाय के आंकड़ों को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, पहली बार शामिल हुआ है तो जरूर इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हम देखेंगे लिंगानुपात और साक्षरता, यहाँ देखेंगे किस आपके नगरीय निकाय में मैक्सिमम है, किस नगरीय निकाय में मिनिमम है। सबसे पहले हम नगर निगम को देखेंगे, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम को इसके अंतर्गत हम देखेंगे। 14 नगर निगम, छत्तीसगढ़ का 14वां नगर निगम है वो है आपका रिसाली। ठीक है, रिसाली भी जो है आपका नगर निगम बन चुका है। छत्तीसगढ़ में अगर हम कुल लिंगानुपात के मामले में हम देखें तो लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात किस नगर निगम का है पूछा जाए तो वो है धमतरी का। 14 नगर निगमों में से सर्वाधिक लिंगानुपात किस नगर निगम का है, धमतरी। सबसे कम किसका है, बिरगांव। ठीक है, आंकड़े नहीं बता रहा हूं, आंकड़े आप इकोनॉमिक सर्वे से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जो आपका लिंगानुपात है उस मामले में सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात है
वो बिरगांव और राजनांदगांव नगर निगम का है, जबकि मिनिमम है आपके अंबिकापुर नगर निगम का। ठीक, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग में अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो धमतरी नगर निगम का लिंगानुपात मैक्सिमम है, जबकि अंबिकापुर नगर निगम का लिंगानुपात मिनिमम है एससी के केस्ट में। जबकि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक है आपके धमतरी नगर निगम का, जबकि मिनिमम है आपके बिरगांव नगर निगम। 14 नगर निगमों की बात हो रही है। उसके बाद अब हम बात करेंगे साक्षरता दर। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर है आपके 70.28%। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से सबसे ज्यादा जो आपका साक्षरता दर है वो है रिसाली का। नव निर्मित जो आपका नगर निगम रिसाली है उसका साक्षरता दर 14 नगर निगमों में सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है आपका चिरमिरी। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर है आपके चिरमिरी का। अब हम देखेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, पीएल, पीएल का मतलब है नगर पालिका, पी का मतलब पालिका, ठीक है, पीएल का मतलब पालिका और पीसी का मतलब पंचायत। ठीक है, पीएल मतलब पालिका, पीसी मतलब पंचायत। ठीक है, इसे समझ जाइएगा। अगर हम कुल लिंगानुपात की बात करें, कुल लिंगानुपात में किस नगर पालिका का लिंगानुपात सर्वाधिक है पूछा जाए तो कांकेर, कांकेर नगर पालिका परिषद का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है बीजापुर नगर पालिका परिषद। ठीक, नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो रायपुर नगर पंचायत का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, जबकि दोरनापाल, दोरनापाल नगर पंचायत का लिंगानुपात आपका मिनिमम यानी कि न्यूनतम है। ठीक, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का अगर हम बात करें उसमें नगर पालिका में अगर हम देखें, पीएल मतलब नगर पालिका, बड़े बचेली नगर पालिका परिषद का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि सूरजपुर नगर पालिका परिषद का लिंगानुपात न्यूनतम है। अगर हम नगर पंचायत की बात करें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग नगर पंचायत में अगर हम बात करें तो गुंडरदेही नगर पंचायत का लिंगानुपात सर्वाधिक है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में, जबकि आपका डभरा, डभरा जो नगर पंचायत है इसका लिंगानुपात न्यूनतम है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में। नेक्स्ट हम देखेंगे एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि बीजापुर नगर पालिका परिषद का लिंगानुपात न्यूनतम है। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो बस्तर नगर पंचायत का लिंगानुपात सर्वाधिक है, किसमें, एससी में यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में। ठीक है, आपका अनुसूचित जाति लिंगानुपात सर्वाधिक है आपके बस्तर नगर पंचायत का, जबकि न्यूनतम है माना कैंट नगर पंचायत। वैसे ही एसटी लिंगानुपात की बात करें तो आपके अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात आपके तखतपुर नगर पालिका निगम का सर्वाधिक है, सॉरी नगर पालिका परिषद का सर्वाधिक है, जबकि दंतेवाड़ा नगर पालिका परिषद का न्यूनतम है। वैसे ही अगर हम पंचायत की बात करें तो सरगांव नगर पंचायत का सर्वाधिक है और आपके पीपरिया नगर पंचायत का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात न्यूनतम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे आया है उसे उठा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा इधर उधर हॉटपॉट हो जाएगा। उसको एक सिस्टमेटिक टेबल में मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, इस टेबल से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कम से कम याद हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट का आप ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देख सकते हैं, जो हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है उसमें भी वो इकोनॉमिक सर्वे अपलोड है, वहाँ पर भी जाकर के उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई है, उसको समेट करके एक टेबुलेशन फॉर्म में मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, साक्षरता दर की अगर हम बात करें, साक्षरता दर जो आपका दीपका नगर पालिका परिषद है, इस दीपका नगर पालिका परिषद का साक्षरता दर सर्वाधिक है, जबकि सुकमा नगर पालिका परिषद का साक्षरता दर न्यूनतम है। जबकि हम नगर पंचायत में बात करें तो भानु प्रतापपुर नगर पंचायत का जो आपका साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, जबकि भैरमगढ़ नगर पंचायत का साक्षरता दर न्यूनतम है। तो ये है इस साल का आपका आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 2 जनगणना, जिसमें मेनली फोकस किया गया है आपके लिंगानुपात, सेक्स रेशियो और दूसरा है साक्षरता दर, और इंक्लूड किया गया है आपके नगर नगरीय निकायों को। साथ ही साथ एक और चीज़ हमारा छूट रहा है, वो है आपके आकांक्षी जिला।
ठीक है, आकांक्षी जिला छत्तीसगढ़ के कुल आपके 10 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल किया गया है। उसके आंकड़े भी इस बार के बजट में पेश किए गए हैं, जिसको हम आज से 2 साल पहले जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आया था उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसको दोबारा रिपीट करके ज़बरदस्ती वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपका उसको लिंक अटैच करके दे दूंगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।